तो आज की हमारी पहली फुटेज एक बेबी मॉनिटर पर रिकॉर्ड हुई थी, जिसमें हमें एक लड़का अपने बेड पर सोया हुआ दिखता है। तो आगे क्या हुआ आप ही देखिए। दरअसल अचानक वो ब्लैंकेट किसी ने पीछे खींचा। ये फुटेज कार पार्किंग एरिया की है, जो कि लैंड्रिना नाम के ब्राज़ीलियन सिटी में फिल्माई गई थी। अब आप ही देखिए यहाँ क्या अजीब हुआ। वो बाइक अपने आप मूव हो रही थी, पर साथ ही उसने लाइट सेंसर्स भी ट्रिगर किए। किटी नाम की महिला ने ये फुटेज अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड की थी। दरअसल किटी के पास 1950s के टाइम की तीन अजीब डॉल्स हैं, जो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो उन डॉल्स के सामने कैमरा फिट कर देती है। तो आप ही देखिए उन्होंने कैमरा में क्या रिकॉर्ड किया। ध्यान से देखने पर आपको दिखेगा कि डॉल मूवमेंट कर रही है। किटी ने फिर वीडियो में दिखाया कि वो बस एक पुरानी नॉर्मल डॉल है, तो उस रात वो कैसे मूव हुई होगी। रॉक एंड मेटल न्यूज़ नाम के यूट्यूब चैनल ने शेयर की हुई ये फुटेज काफ़ी अजीब है, जिसमें हमें लोग भागदौड़ करते हुए दिखते हैं और उसी बीच कुछ ऐसा हो जाता है। गौर से देखने पर हमें दिखता है कि वो आदमी मानो किसी चीज़ से टकराया हो, फिर वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन फोटोग्राफी फर्म ने इस फोटो को रेडिट पर अपलोड किया था, जिसमें हमें फोटोग्राफर के घर से उन्हें एक डरावनी चीज़ झांकती हुई दिखती है। अपलोडर ने बताया कि एक दिन जब वो ऑफिस जा रहे थे, तब जाते वक्त उन्होंने अपने घर की खिड़की में कुछ बहुत डरावना देखा। फोटो में हमें कोई आदमी खिड़की से झांकता हुआ दिखता है। अपलोडर के मुताबिक वो वहाँ अकेले रहते हैं और उनका घर उस वक्त खाली था, पर ये सच है या झूठ मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस फुटेज में हमें एक लड़की इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीम करती हुई दिखती है और सब कुछ नॉर्मल भी लग रहा होता है। अगर हम फुटेज में पीछे वाले लड़की पर नज़र डालें तो वो अजीब तरह मानो रुक गई थी, पर अपने आप नॉर्मल हो गई। पर इस वीडियो में आगे जो होने वाला है वो आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। हमें वो पीछे वाली लड़की अजीब बिहेव करती हुई दिख रही है, पर आगे जो होने वाला है उसे ध्यान से देखिएगा।
क्या हो रहा होगा। हैरी मैक्लैरी के साथ उनके घर में पिछले कुछ टाइम से बहुत भयानक चीज़ें हो रही है, इतनी कि आप में से ज़्यादातर लोग बस देख के ही डर जाओगे। पर हैरी अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी घर में इन्हीं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बीच रहते हैं। तो सबसे पहली फुटेज में हम देखेंगे कि रात के समय अलेक्सा अपने आप स्टार्ट होकर बोलना शुरू कर देती है। A deliberate attempt to contact the spirit of a deceased person is known as a séance. Hey. But I have a skill you might like. What the fuck? Wanna try it? इसके बाद नेक्स्ट फुटेज में हमें डाउनस्टेयर से आवाजें आती हुई दिखती है। हैरी फिर थोड़ा नीचे उतरकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। Hello? Oh my God! हमें ऐसा आवाज आता है मानो कोई ऊपर भागते हुए आया हो। Oh my God! पर दिखा कोई नहीं। फिर हैरी नीचे जाकर देखने लगते हैं। लाइट ऑन करने पर वहाँ कोई नहीं दिखता, पर वो चीज़ अब आपको डराने वाली है। अब आगे हमें कुछ और दिल दहला देने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। दरअसल अंधेरे में हमें आंखें चमकती हुई दिखती है। फिर उनके घर में लगे झूमर अपने आप हिल रहे होते हैं। इसके बाद भी हमें ऐसी ही एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, पर और इंटेंसली। इसके बाद एक रात को हैरी के दरवाजे के बाहर से गाना बजाने की आवाज़ आती है। फिर वहां जाने के बाद कुछ ऐसा होता है।
दरअसल उस रूम के अंदर भी चमकती हुई आंखें दिखती हैं। हैरी ने बताया कि वेकेशन से लौटने के बाद उनको उनके घर में सब ठीक लग रहा है, साथ ही उनके डॉग को इस डॉल के साथ खेलना पसंद है। पर इस बार हैरी को उनके दरवाजे के बाहर से उस डॉल के स्क्विचिंग की आवाज़ आती है, जबकि उनका डॉगी अंदर होता है। अब हैरी ने अपने घर में सर्वेलेंस कैमरा इंस्टॉल किया, तो आप ही देखिए उसने क्या रिकॉर्ड किया। दरअसल एक और प्लैम को हिट करता है। फिर एक दिन हैरी अपने कॉरिडोर की पिक्चर क्लिक करते हैं, तो आप ही देखिए उसमें क्या दिखा। दरअसल वहाँ एक बच्चा दिख रहा है, तो क्या ये बच्चा इन सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए ज़िम्मेदार है? बहरहाल हैरी ने ये हॉन्टेड घर को छोड़ने का फ़ैसला किया, तो ये घर सच में हॉन्टेड था या ये सब प्री प्लान था? ऑब्वियसली मैं ये आप पर छोड़ता हूँ।